अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इफ़ेक्टिव हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। फ्रेंड्स, अपनी एक वीडियो में मैंने एक व्लॉग के दौरान एक फेयरनेस क्रीम अपने चेहरे पर इस्तेमाल की थी और मेरे स्वीट सब्सक्राइबर्स में से किसी ने कहा था कि प्लीज़ आप इस क्रीम का भी रिव्यू दें। इसलिए आज की वीडियो में मैं हिमालया हर्बल्स की फेयरनेस क्रीम का रिव्यू दूँगी। दोस्तों, इस वीडियो में शामिल होगा इस फेयरनेस क्रीम का रिव्यू, रिजल्ट्स, इसके बेनिफिट्स, इसके इस्तेमाल का तरीका और भी बहुत कुछ। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइस और पैकेजिंग के बात करती हूँ। दोस्तों, इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और इसे बैग में आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, किसी किस्म की लीकेज का कोई चांस नहीं। 100% ट्रैवल फ्रेंडली है। और अगर बात करें इसकी कीमत की, तो आपको ये 25 ग्राम की क्रीम 75 रुपीज़ में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये क्रीम मार्केट में हर जगह इजीली अवेलेबल है और प्राइस के हिसाब से भी अफोर्डेबल है। तो अब क्रीम की बात करती हूँ। फ्रेंड्स, इस क्रीम का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये क्रीम आपके चेहरे पर बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाती है। कहीं पर भी कोई रूखापन महसूस नहीं होता, क्योंकि ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। जैसे हमें अक्सर शिकायत रहती है कि हम क्रीम्स लगाते हैं तो वो फेस पे चिपक जाती है, ऐसे पैचेस से बन जाते हैं, लेकिन इस क्रीम में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जहाँ भी अप्लाई करेंगी वो ईज़िली आपके स्प्रेड फेस पर हो जाएगी। हैंड्स पर करें, बेशक नेक पर करें, वो उसका कोई इतना खास इशू नहीं है। और ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लगती है और अच्छी तरह से आपके फेस को कवर कर लेती है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसकी अब्जॉर्प्शन पावर की, कि ये किस तरह से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब करती है, तो विंटर्स में तो ये बहुत तेज़ी से आपकी जिल्द में अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन गर्मियों में इसे अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसे लगाते साथ ही आपको थोड़ा सा ऐसा फील, बल्कि गर्मियों में हर क्रीम लगाते साथ ही आपको थोड़ा सा वो नमी सी चेहरे पे आ जाती है। तो थोड़ा सा ये है कि इसे अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, इसलिए जब मैं इसे लगाती हूँ तो मैं इसके साथ एलोवेरा जेल ऐड कर लेती हूँ, जिससे ये क्रीम बहुत अच्छे से चेहरे में और आपकी स्किन में जहाँ आप लगाती हैं वहाँ पर ये अब्जॉर्ब हो जाती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हिमालया कंपनी अपनी इस क्रीम के बारे में क्या दावे करती है। जैसा कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में दावे करती है, तो इस कंपनी का दावा ये है कि ये स्किन लाइटनिंग फार्मूला है, जिसमें शामिल है फाइटोविटामिन कॉम्प्लेक्स, और स्किन को लाइट करने में, डल स्किन को चमकाने में और स्किन को ब्राइट करने में ये क्रीम बहुत बढ़िया है और स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करती है। और अगर डिटेल में इनके दावों की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुए हैं, और वो ये हैं कि स्किन को लाइट करना, डार्क स्पॉट्स और दाग धब्बों को हटाना, पिंपल्स को रिड्यूस करना, डार्क सर्कल्स को कम करना और साथ में स्किन को मॉइस्चराइज करना, और ये सब 4 वीक्स के अंदर अंदर ठीक होगा इस कंपनी के मुताबिक। इस कंपनी के मुताबिक तो इसके ये दावे हैं, लेकिन अब मैं आपको जो रिजल्ट्स बताती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसे लास्ट 3 मंथ्स से इस्तेमाल कर रही हूँ और रिज़ल्ट भी इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही बताऊँगी। 3 मंथ्स से मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने ये सर्दियों में अप्लाई की थी सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक आध महीना के, लेकिन फिर मैं वो तिब्बत क्रीम यूज़ करना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पिंपल्स का मसला बन गया था। लेकिन जब मेरा, अल्लाह का शुक्र है, वो मसला ख़त्म हो गया, तब मैंने उसके बाद से ये दोबारा से ये यूज़ करना शुरू कर दी। इसलिए मुझे अभी इसको लगाते हुए 3 महीने हो गए और मैं रिज़ल्ट इन 3 महीनों के मुताबिक ही बताऊँगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी फेयरनेस की। इस मामले में ये क्रीम बस ठीक ही है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, मतलब 6 महीने, तो 5-6 महीने करेंगी, तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा और स्किन टोन भी लाइट करेगी, ये तो श्योर है। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है, जो सबसे इस क्रीम की अच्छी बात है वो ये है। लेकिन अगर ग्लो की बात करें तो इसका ग्लो वक्ती है, आप जब लगाएंगे आपको ग्लो फील होगा, लेकिन वो उसके बाद कुछ ही देर में वो ग्लो गायब हो जाएगा। इसलिए मुझे ग्लो से कोई इतना ख़ास, जब मतलब आजकल आपको पता है कि
اس طرح کافی سارے پروڈکٹس آ گئی ہیں کہ وہ ہمیں وہ گلو کا مسئلہ نیچرل گلو کا وہ اتنی خاص ضرورت نہیں رہتی. تو لیکن یہ ہے کہ جو اس کا گلو ہے وہ وقتی ہے, پرماننٹ نہیں ہے. اور اگر بات کی جائے ڈارک اسپاٹس کی تو یہ ان پر کافی کام کرتی ہے اور انہیں فیڈ کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اسے ریگولر بیسس پہ استعمال کرنا ہے تو ہی ایسے ریزلٹس ملیں گے. فرینڈس, یہ کریم جو ہے وہ ڈارک سرکلز پہ کام کرتی ہے, انہیں لائٹ کرتی ہے, انہیں مکمل ختم نہیں کرتی. ڈارک سرکلز کے بارے میں آپ کو ایک میں بات بتاؤں تو ڈارک سرکلز ان کسی بھی کریم سے نہیں جاتے. ڈارک سرکلز ہمیشہ ٹوٹکوں سے ہی جائیں گے, یہ تو 100% شیور ہے. میں نے ڈارک سرکلز پہ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے, اب وہ چیک کریں, آپ کو بہت آرام ملے گا. نہیں تو کوئی سا بھی ٹوٹکا آپ کو پتہ ہوگا, یہ آپ وہ استعمال کریں, انشاءاللہ ڈارک سرکلز چلے جائیں گے. اب میں پھر دوبارہ سے اس کریم پہ آتی ہوں. تو فرینڈز, اس کریم کا ایک مائنس پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اسے لگاتے ساتھ ہی پسینہ آ جاتا ہے, اس لیے کچھ دیر فین کے نیچے ہی رہیں. اگر اے سی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ لگاتے ساتھ آپ فوراً باہر نہ نکل جائیں, بلکہ کچھ دیر پنکھے کے نیچے رہیں, اپنا پسینہ سکھائیں. ایک دفعہ پسینہ سوکھ جائے گا پھر نارمل ہو جائے گا, دوبارہ پسینہ نہیں آئے گا. ڈرائی اسکن والوں کو یہ کریم زیادہ سوٹ نہیں کرے گی. اور رہی بات پمپلس کی, تو ان پر یہ کوئی اثر نہیں کرتی, پمپلز ویسے کے ویسے رہیں گے. لیکن جو آئلی اسکن والے ہیں ان کو یہ سوٹ کرتی ہے, وہ اس سینس میں کہ یہ آپ کے آپ لگائیں گے تو آپ کو وہ جس طرح کریم بہہ جاتی ہے اس طرح کا مسئلہ نہیں بنے گا, لیکن پمپلز پہ یہ کام نہیں کرتی. لیکن اگر بات کریں ڈرائی یا آئلی اسکن کے حساب سے تو آئلی اسکن والوں کے لیے بیسٹ ہے, ڈرائی اسکن والوں کو یہ سوٹ نہیں کرے گی. فرینڈز, اب اس ویڈیو میں میں نے اس کریم کے سارے پلس اور مائنس پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی یہ ویڈیو. جب آپ اسے خریدنے جائیں گے تو آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا, آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. تو فرینڈز, آپ مجھے اجازت دیں, اور ہاں چینل سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.